सदर कोतवाली क्षेत्र के रियाज की दुकान 15 दिन पहले दबंगों ने दीदा दिलेरी से जला दी थी। पुलिस में रिपोर्ट दर्ज हुई लेकिन कार्यवाही नहीं हुई। अब उसका ऑटो रिक्शा भी उसी दीदा दिलेरी से जला दिया गया है। पीड़ित ने फिर पुलिस को तहरीर दी है, लेकिन पीड़ित का कहना है कि पिछले मामले में पुलिस को नामजद तहरीर दी थी लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। अगर पिछले मामले में कार्रवाई होती तो शायद यह दूसरा हादसा ना होता। उसने इस ऑटो जलाने का आरोप भी दबंग भू माफियाओं पर लगाया है। कोरोना के बचाव के लिए हुए लॉकडाउन के बीच दबंगों ने देर रात नाला के किनारे कचहरी टोला के रियाज की ऑटो रिक्शा में आग लगा दी। रियाज का कहना है कि आग 1:30 बजे के बाद लगाई गई है। उसने बताया कि 15 दिन पहले उसकी गन्ने की जूस की दुकान में भी आग लगा दी गई थी। तब दुकान में रखा करीब 1.5 लाख रुपए का सामान जलकर खाक हो गया था। उसने पड़ोस के एक भू माफिया पर रंजिश में आग लगाए जाने का आरोप लगाया है। अपनी रोजी रोटी का जरिया राख हो जाने से मायूस रियाज ने सदर कोतवाली में तहरीर देकर आरोपियों पर कार्रवाई की मांग की है। उसका कहना है कि अगर पहले कड़ी कार्रवाई हो जाती तो दबंग के हौसले इतने बढ़ते नहीं, शायद उसका ऑटो जलने से बच जाता। रात में हम गाड़ी खड़ी कर कर घर गए, लेट गए जाकर, फिर 1:30 बजे देख गए थे लगभग गाड़ी हम खड़ी करके। और फिर बाद में पता चला आवाज़ आई ताड़ पाड़, सबने सुना देखा, एकदम देखा कि गाड़ी में आग लगी है। सब आए भाग कर परिवार वाले, जब तक आया गाड़ी जल चुकी थी, सब जो कुछ बची थी पानी वानी से बुझाई। और एक हादसा और हो चुका था आगे, उसमें पुलिस ने कार्रवाई नहीं की, नाम भी दर्ज करा था, वो सब हुआ होता तो ये नहीं होता दोबारा। इससे पहले कौन सा हादसा हो चुका है? ये आगे खोखा रखा था पाटे नाले, वो जल चुका है, उसमें कार्रवाई करी, नाम भी दिया गया था लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की? नहीं, तो ये हादसा ही नहीं होता अगर कार्रवाई की। ये कितना समय रहा जो टैक्सी में आग लगी, कैसे आपको जानकारी हुई थी? एकदम इसमें से आवाज आई थी रात में। समय कितना रहा? लगभग 2:30 बजे होगा, जब देखा गाड़ी में आग लगी हुई थी, सबने सुना, सब आए भागते हुए, गाड़ी जल रही थी। इसकी सूचना आपने पुलिस को दी थी? जी, रात में गाड़ी भी आई, पुलिस भी आई थी, कार्रवाई भी पुलिस देख कर चली गई। ये कहाँ का मामला है? कचहरी डोला।